बारहवीं जमात उर्दू के तलबा तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम एक दूसरे मसनवी गो शायर दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम से कुछ अशार और शुरुआती हमदोनात मुनाजात की तशरी पेश करेंगे। पंडित दयाशंकर नसीम 1811 को लखनऊ में पैदा हुए। आपका तखल्लुस नसीम था, कश्मीरी पंडित थे, वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। इनकी मसनवी गुलजार नसीम बहुत मारूफ और मशहूर हुई। इसके शुरुआती अशार में हमदो नात तो मुनाजात को हम पेश करते हैं। इसकी तशरी समाज फरमाएं। हर शाख में शगुफा कारी समरा है कलम का हमदबारी। नसीम कहते हैं कि जिस शाख को देखिए उस पर कोंपले फूट रही हैं और जिस कलम को देखिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ में चल रहा है, यानी कायनात की हर शय खुदाए बरतर बाला की तारीफ बयान कर रही है। करता है ये दो जबां से यकसर हमद हक को मिदहते पैगंबर। इंसान अक्सर अपनी जबान से कभी खुदा ताला की हमद करता है तो कभी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है। पांच उंगलियों में ये हर्फ जन है, यानी के मुती पंजतन है। शायर कहता है कि पांच उंगलियों के दरमियान रहकर लिखता है, जिससे जाहिर होता है कि वो इन पांच उंगलियों का फरमाबरदार है, यानी पाक पंजतन का फरमाबरदार है। खत्म इस पर हुई सुखन परस्ती करता है जबां से पेश दस्ती। शेर व शायरी का इस पर इख्तिताम हो जाता है क्योंकि ये जबान से पहले मतलब जाहिर करता है। यारब मेरे खामे को जबान दे मिनकार हजार दास्तान दे। यारब ए रब मेरे रब तू मेरे कलम को जबान अता कर ताकि वह हजार दास्तान तहरीर कर सके, या फिर बुलबुल की चोंच अता कर जो बहुत सारे तराने सुनाए। मिनकार तो चोंच को कहते हैं। अफसाने गुल बकावली का अफसोस हो बहार आशिकी का। और ये गुल बकावली का किस्सा आशिकी बहार का जादू और बेहद दिलकश बन जाए। हर चंद सुना गया है इसको उर्दू की जबान में सुखन गो। हर चंद के उर्दू जबान में शोरा ने इसको बार बार सुनाया है। वो नसर है दाद नजम दूं मैं इस मैं को दो आतशा कर दूं करूं मैं। ये नसर है जिसको नजम करके मैं पूरा सर बनाना चाहता हूं। हर चंद अगले जो अहले फन थे सुल्तान कलम रू सुखन थे। शायर कहता है कि गुजरे जमाने के अहले कलम अपने फन के माहिर थे, उनका कलाम दिल को छूने वाला था। आगे उनके फरोग पाना सूरज को चराग है दिखाना। इन हजरात के आगे मकबूल आम होने की बात करना सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। पर बहरे सुखन सदा है बाकी दरिया नहीं कार बंद साकी। लेकिन शेर व शायरी का समंदर लामहदूद है, ये कोई बहता दरिया नहीं जो खुश हो जाए। ताने से जबान नुकता ची रोक रख ले मेरी अहले खामा खामे में नो। ऐ नुकता ची तू अपनी जबान को तानों से रोक और इस तरह की हरकत से बाज आ, तू अहले कलम के दरमियान मुझे रुसवाना होने दे। खूबी से करे दिलों को तस्खीर नैरंग नसीम बाग कश्मीर। ऐ मेरे रब तू मेरे कलाम को इस कदर पुरसर कर दे के वो लोगों के दिलों को तस्खीर करने लगे, तो इसको तू इसको बाग कश्मीर की नारंगी अता कर। नुक्ते हों सपंद खुश बयानी जदूल हो हिसार सहर ख्वानी।
या रब मेरे कलाम के हर नुक्ते को खुश बयानी का मोती बना दे और इसके हाशिए को जादू बयानी का दायरा बना दे। जो नुक्ता लिखूं कहीं ना हर्फ आए, मरकज ये कशिश मेरी पहुंच जाए, मरकज पे कशिश मेरी पहुंच जाए। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मैं जो कुछ भी तहरीर करूं, जिस बात का भी इजहार अपने कलाम के जरिए करूं, उस पर कोई नुक्ता चीन ना करे, कोई उंगली ना उठाए, बस तू मेरे कलाम मेरी शेर गोई को कशिश की इंतहा तक पहुंचा दे। तो आज आपने ये दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम सेलेक्ट किए हुए हमदोनात व मुनाजात के चंद अशार की तशरी समात फरमाई। कल इसी मसनवी का कुछ आगे का हिस्सा फिर पेश करेंगे। अब कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।